I'm Shilpa Shetty Kundra, and this is The Art of Balance. अपने फीट को शोल्डर विथ अपार्ट करके खड़े हो जाइए। कॉलरबोन वाइड होना चाहिए। अपना वजन दोनों पैर पर बराबर रखें। नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ खींचें और स्पाइन में सामान्य आंच रखें। अपनी उंगलियों को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर लें और हाथ ऊपर उठाएं, एल्बोस को मोड़कर। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सांस अंदर लेते हुए एल्बोस सीधी करें और हाथ ऊपर तक ले जाएं। हील्स को भी एक साथ में ऊपर उठाएं। आगे की तरफ एक पॉइंट पे अपना ध्यान केंद्रित करें। सांस की गति को नॉर्मल रखें। सीधे खड़े हो जाए, हाथ साइड में रखें। लेफ्ट नी को बेंड करें और शरीर का वजन राइट फुट पर रखें। लेफ्ट पाम से लेफ्ट एंकल को पकड़ें, लेफ्ट सोल को राइट इनर थाई पे रखें, टो नीचे की तरफ पॉइंटेड हो। लेफ्ट सोल को राइट इनर थाई में दबाते रहें और राइट इनर थाई को लेफ्ट फुट में दबाएं एक काउंट ऑफ फोर्स बनाने के लिए। सांस लें। आगे एक पॉइंट पर ध्यान करें। हाथों को सर के ऊपर नमस्ते में रखें और कुछ देर तक इस पोजीशन में रहें। नॉर्मली सांस लेते और छोड़ते रहें। अपने एब्स को एंगेज रखें और नॉर्मली सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं और सीधे खड़े होने की पोजीशन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं और सीधे खड़े होने की पोजीशन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं और सीधे खड़े होने की पोजीशन में आएं। सीधा खड़े हो जाएं। अपनी लेफ्ट नी को बेंड करें और लेफ्ट हथेली से लेफ्ट एंकल को पकड़े। लेफ्ट हील को लेफ्ट बटक के पास लाएं। अपने राइट आर्म को चेस्ट के सामने उठाएं। राइट नी सीधी रहेगी। सांस लेते हुए अपने एब्स को एंगेज करें और टॉर्सो के साथ आगे झुके। नजर आगे की तरफ रहेगी। लेफ्ट लेग के वजन को हथेली पर रखें जब आप लेफ्ट शोल्डर को पीछे खींचें। सांस छोड़ते हुए वापस सीधे खड़े हो जाए। अब राइट नी को बेंड करें और राइट हथेली से राइट एंकल को पकड़ें। सांस लेते हुए अपने एब्स को एंगेज करें और टॉर्सो के साथ आगे झुकें। नजर आगे की तरफ रहेगी। राइट लेग के वजन को हथेली पर रखें जब आप राइट शोल्डर को पीछे खींचें। आपको हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्राइसेप्स, इनर थाई और शोल्डर में स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। नेवल को अंदर खींचकर एब्स को एंगेज्ड रखें।
बैलेंस करने के लिए बड़े टो, छोटे टो और हील को दबाएं। सीधे खड़े हो जाए, हाथ साइड में। अपना बॉडी वेट लेफ्ट फुट पर शिफ्ट करें और राइट फुट को जमीन से उठा ले। राइट एंकल को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें। एब्स को एंगेज करें लेफ्ट पैर पर बैलेंस करने के लिए। आगे एक पॉइंट पर ध्यान दें। सांस छोड़ते हुए पैर को स्टार्टिंग पोजीशन मिलाएं। अब इसे दूसरी तरफ दोहराएं। जब फुट पर बैलेंस हो रहे हैं, तीन पॉइंट्स पर ध्यान दें। बड़ा टो, स्मॉल टो और हील। एब्स को एंगेज करने के लिए नेवल को स्पाइन की तरफ खींचे। फ्लोर पर बैठ जाएं, नीज को मोड़कर पैरों के सोल्स एक साथ ले आएं, दोनों हाथों से फीट को पकड़ लें, अपने हिप्स को आगे शिफ्ट करें, अपनी हील्स को अपनी बॉडी के जितने पास हो सके लाने के लिए, नीज को उठाएं और पीछे पुश करें, अपनी एल्बोस को लिवर की तरह इस्तेमाल करते हुए इनर थाइस को नीचे प्रेस करने के लिए, नीचे के स्ट्रोक पर अपनी नीज को जमीन पे टच करने की कोशिश करें। 30 से 50 ऊपर नीचे के मूवमेंट्स करें। एक तितली की विंग्स की फ्लटरिंग की तरह इस मूवमेंट को विजुअलाइज करें। घुटनों को नीचे दबाने के दौरान कोई जोर ना लगाएं। अपने इनर थाई मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपने पीठ के बल लेट जाएं, पैर एक साथ रखें और हाथों को शरीर के पास रखें। सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी और दोनों पैरों को फ्लोर से उठाएं। अपने हाथों को अपने फीट की तरफ ले जाएं। अपनी आंखों को, अपनी मुट्ठी को और अपने टोस को एक लाइन में रखें। इस आसन में अपने टोस को पॉइंटेड रखें, पैर एक्टिव रखें, इनर थाइस को एंगेज्ड रखें, नेवल को स्पाइन की तरफ खींचें
और अपने पेट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर आपको लोअर बैक में तकलीफ हो या आराम नहीं हो तो घुटने झुकाएं। Yay, and there is good news. We are halfway there. Stay positive, determined, and committed to your health goal and get the most out of this wonderful body. पेट के बल लेट जाएं, फीट को हिप विड्थ अपार्ट रखें और पॉइंटेड रखें, टोज जमीन पर दबाएं। अपनी हथेलियों को शोल्डर्स के नीचे रखें और ध्यान रखें कि आपके एल्बोज रिब केज को हग कर रहे हों। हथेलियों को प्रेस अप करते हुए सांस लें और अपने चेस्ट और सर को जमीन से उठाएं। अपनी पीठ को हल्का सा आर्च करें लेकिन शोल्डर से श्रग ना करें। सांस छोड़ें, धीरे से अपना शरीर नीचे लाएं और रिलैक्स करें। चिन को चेस्ट की तरफ टक्ड इन रखें और सामने की तरफ देखें जमीन पर। गर्दन कंधे और पीठ से ऊंचे होने का सोचें। आपको लोअर बैक के अलावा स्पाइन के मसल्स में भी हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन महसूस होना चाहिए। पेट के बल लेट जाइए, हथेलियों को माथे के नीचे रखें, दोनों नीज को बेंड कर ले, टोस पॉइंटेड, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और एंकल्स को पकड़ें, फुट को ना पकड़ें, सांस लें, सर, चेस्ट और थाइस को जमीन से उठाएं, इस पोजीशन को होल्ड करें और सांस को नॉर्मल रूप से लेते रहें। ऊपर सीलिंग की तरफ देखें, घुटनों को ज्यादा बाहर ना पुश करें। पैरों का वजन हथेलियों में रखें और चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचें। लोअर बैक पर दबाव कम करने के लिए ग्लूट्स को स्क्वीज करें। सांस छोड़ते हुए वापस शुरुआत की पोजीशन में आए। वज्रासन में सीधा बैठिए, पाम्स थाइस पे नीज के ऊपर रखें, कंधे को हिप से ऊपर रखें और आगे ना झुके। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं, शोल्डर विथ अपार्ट और एल्बो सीधे रखें। सांस छोड़कर हिप से आगे झुकें। हाथ और फोरहेड घुटनों के सामने जमीन पर रेस्ट कर रहे हो। घुटनों या एंकल्स में कोई भी तकलीफ ना हो। स-
सांस लेकर पीठ को सीधा करके स्टार्टिंग पोजीशन में लौट आएं। हर सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स करें। गर्दन या कंधे को ज्यादा टेंस ना करें। लोअर बैक को रिलैक्स्ड महसूस करें। अगर हिप्स और हील्स के बीच में ज्यादा गैप हो तो हिप्स और हील्स के बीच में एक तकिया रख दें। सीधे लेट जाएं, अपने हाथों को थोड़ा सा शरीर से अलग रखते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ हो, फिंगर्स हल्की सी कर्ल अप होने दें, फीट को थोड़ा सा अलग रखें कंफर्टेबल पोजीशन में और आंखें बंद करें। सर और स्पाइन एक लाइन में होने चाहिए। ध्यान रखें कि सर किसी भी एक तरफ ना झुके। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें और सभी फिजिकल मूवमेंट को बंद कर दें। अपनी नेचुरल सांस को महसूस करें और उसे रिदमिक और रिलैक्स्ड रखें। अपने टोस और एंकल्स को रिलैक्स करें, शिन्स को, काव्स को, घुटनों को, घुटने के पीछे वाले हिस्से को, थाइस को, हिप्स को, रूट चक्र को, स्पाइन के बेस को, मिड बैक को, पेट को रिलैक्स करें। अपने लंग्स को खोलें, सांस लें, रिब केज को रिलैक्स करें, मुंह को रिलैक्स करें, स्माइल रखें। अपनी नाक को, अपनी आईज को कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फोरहेड के बीच में, सर के ऊपर वाले हिस्से में एनर्जी महसूस करें। सांस लें और इमेजिन करें कि एक सफेद लाइट सर के ऊपर से एंटर कर रही है। सांस छोड़ें और थकान को फीट की सोल से निकाल दें। अपने राइट साइड मुड़कर आंखें बंद करते हुए सीधे लेट जाएं और बच्चे की तरह फीटस पोजीशन में कुछ रिलैक्स सांसें लें। जब आप तैयार फील करें तो अपनी आंखें बंद करते हुए अपने हाथ की मदद से धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी उठाएं और वज्रासन में आएं और रिलैक्स्ड हो जाएं। अपनी बैक सीधी रखें लेकिन इस पोजीशन में रिलैक्स्ड फील करें। अपने हाथ ध्यानाची मुद्र में नाभि के पास रखें। आंखें और मुंह बंद कर लें और नॉर्मली ब्रीथ करते रहें। सांस लें और सांस छोड़ते समय ओम बोलें।
जब आप 3 बार ओम बोले, अपने हाथ जोड़कर 3 बार शांति बोले। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। अब अपने पाम्स को एक दूसरे से रब करें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। गर्माहट को फील करें। आंखें खोलें और रिलैक्स करें। आत्म नमस्ते। होप दिस हेल्प्ड यू अचीव योर पीस ऑफ माइंड। इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।